क्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने स्वास्थ्य विभाग के आवासीय परिसर का किया शिलान्यास। विपक्ष सहित आम जनता ने किया विरोध, कहा पहले 100 बेड के अस्पताल का हो शिलान्यास। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर त्योंथर में मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम भोपाल द्वारा बनाए जाने वाली आवासीय परिसर का त्योंथर विधायक ने शिलान्यास किया। वहीं विपक्ष के एक पूर्व जिला महामंत्री एवं वरिष्ठ समाज सेवी विद्यासागर शुक्ला सहित व्यापारी संघ ने शिलान्यास कार्यक्रम का विरोध किया। कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक मुर्दाबाद सहित त्योंथर का अस्पताल त्योंथर में बने का नारा लगाया गया। वहीं विद्यासागर शुक्ला ने विधायक के ऊपर निशाना साधते हुए कहा, जब हमारी प्रदेश में सरकार थी तब भी जनता के हित के लिए हम अपनी ही सरकार के खिलाफ 100 बेड का अस्पताल यथावत उसी स्थान पर बनाए जाए को लेकर अनशन किया था। तब तत्कालीन कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव जी ने हमें आश्वस्त किया था कि अस्पताल यथावत उसी स्थान पर बनाई जाएगी, लेकिन आज जब भाजपा की सरकार है और अब अस्पताल का निर्माण कराया जाना है, तब विधायक जी के द्वारा जनता को गुमराह कर सिविल अस्पताल की जगह आवासीय परिसर का शिलान्यास किया जा रहा है। ऐसे में मैं अपने साथियों के साथ इसका विरोध करता हूं, और यदि त्योंथर की जनता के साथ विधायक जी के द्वारा छल कपट किया गया तो मैं अपने साथियों के साथ जन आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। वहीं विधायक श्री श्यामलाल द्विवेदी ने अपने वक्तव्य में मीडिया को बताया कि हमें बहुत गर्व हो रहा है कि मुझे अपने क्षेत्र के विकास में स्वास्थ्य विभाग के आवासीय परिसर का शिलान्यास का मौका मिला। साथ ही विधायक ने बताया कि इसके पूर्व में उनकी पार्टी के द्वारा महीनों तक क्रमिक अनशन किया गया था, तब भी मैं कलेक्टर साहब के साथ बराबर संपर्क में था और अस्पताल यथावत उसी स्थान पर बने इसको लेकर हमारी चर्चाएं हुई थी। आवासीय परिसर जेल रोड के पास बनाए जाने को लेकर मैं SDM साहब के साथ निरीक्षण के लिए गया था, लेकिन वह स्थान आवासीय परिसर के लिए उचित नहीं है, जिसकी वजह से हमें अस्पताल के पास ही आवासीय परिसर का निर्माण कराना पड़ रहा है। विधायक जी ने यह भी बताया कि आवासीय परिसर का निर्माण होने के बाद वर्तमान में संचालित सिविल अस्पताल को आवासीय परिसर में शिफ्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद पुरानी बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त कर 100 बेड के अस्पताल का नव निर्माण शुरू किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक श्यामलाल द्विवेदी, SDM, SDOP, तहसीलदार, नगर पंचायत CMO सहित थाना प्रभारी पवन शुक्ला अपने दल बल के साथ उपस्थित रहे। इससे ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं त्योंथर से हमारे रिपोर्टर आशुतोष शुक्ला की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। आज आप लोग अस्पताल गए हुए थे, अस्पताल का शिलान्यास हो रहा था, वहाँ पे बताया गया आवासीय परिसर का शिलान्यास किया जा रहा है, आप लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया, किस कारण बस आप लोगों ने विरोध किया वहाँ पे? मैंने इससे किया कि 100 बेड की जो हॉस्पिटल थी त्योंथर में, त्योंथर की हॉस्पिटल त्योंथर में बननी चाहिए, इससे कि हमारे त्योंथर का व्यापार जितना भी था सब चला गया, बेकार हो गया। मैं अब ये चाहता हूँ कि जो 100 बेड की हॉस्पिटल त्योंथर में है वो त्योंथर में बने। षड्यंत्र के तहत ये BJP के कुछ लोगों के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, षड्यंत्र के तहत वहाँ आवास बनाया जाता है। आवास का मैं विरोध करता हूँ, वहाँ पर अगर बने तो अस्पताल बने, 100 बेड की हॉस्पिटल बने, तो हमारी मांग है, पूरे व्यापारियों की मांग है। अगर इस तरीके नहीं होता है तो आने वाले समय में हम और बड़ा आंदोलन करूंगा, त्योंथर के अस्पताल त्योंथर में लेके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए जितनी भी कुर्बानी हमको देनी पड़े। आज वहां पे शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय विधायक जी भी आए हुए थे, SDM साहब थे, तो विधायक जी से आपकी क्या बात हुई? विधायक जी ने हमको कोरी सी झूठी सी बात बता रहे हैं, कहते पहले आवास बन जाएगा, इसके बाद जब पहले अस्पताल के लिए जगह नहीं पूछ रही है, कुछ जगह कह रहे हैं 100 बेड के लिए कम है, तो वहाँ आवास बन जाएगा, तो इसके बाद कैसे वो बनेगी अस्पताल? मेरा निवेदन है कि पहले अस्पताल बनाई जाए, अस्पताल बनाने के बाद अगर जगह बचे तो आवास बनाया जाए। यदि आवासीय परिसर वहाँ पे बनाया जाता है तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? मैं आंदोलन करूंगा, विरोध करूंगा, चाहे जिस भी ताकत से हो, पूरा व्यापार मंडल इसका विरोध करेगा। अब हम लोग सारे लोग विरोध करेंगे ना, विरोध करेंगे। अस्पताल में आवास का भूमि पूजन था, आपके प्रयासों से ये कार्य पूरा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2007 में हमारे त्योंथर में 100 बिस्तरीय अस्पताल स्वीकृत हुआ था, कतिपय कारणों से आज तक ये पेंडिंग में चलता रहा। आज
नगरवासी हमारे नगर परिषद त्योंथर और त्योंथर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये शुभ दिन आया है कि आज चिकित्सकीय आवासीय परिसर का भूमि पूजन कार्यक्रम करने का शुभ अवसर मिला है। इस पावन बेला में मैं अपने नगर पंचायत त्योंथर के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के आम जनता जनार्दन को नतमस्तक होकर उनका चरण वंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, जिनके कारण ये संभव हो सका है। और ये आवासीय परिसर बनने की बात, जो अस्पताल जहां लगता है अस्पताल आवासीय परिसर में शुरू हो जाएगी लगना और इनको शासन ध्वस्त करेगी, जैसा कि कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और बीएमओ साहब ने बताया, ध्वस्त करके 100 बिस्तरीय अस्पताल का वहां निर्माण होगा और एक मंजिल में नहीं बनेगा तो 2 मंजिल में अस्पताल बनेगा, निर्मित इसी स्थल पे होगा। अभी तक ये बजट नहीं हो पाया है। जो 20 जुलाई से 24 जुलाई तक विधानसभा चलने वाली थी, हमने कटौती प्रस्ताव लगाने का प्रयत्न किया था लेकिन वो बीच में ही निरस्त हो गया। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को हमने पत्र लिखा है कि हमारे त्योंथर सिविल अस्पताल जो 100 बिस्तरी बनना है, इसको बजट कराने में आप सहायता करें। उन्होंने आश्वासन दिया है, उनका पत्र भी संबंधित विभाग को गया है कि ये अस्पताल बजट हो जाए और बजट हो जाने के बाद जैसे ही ये काम खत्म होगा, मुझे भरोसा है कि 100 बिस्तरी अस्पताल का काम इसी स्थल पर प्रारंभ होगा। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद और नगर पंचायत के अधिकारियों का, कलेक्टर साहब का, एसडीएम साहब का, सभी अधिकारियों के सहयोग से ये काम संपन्न होगा। धन्यवाद। लेकर मॉडल स्कूल चली गई, पुल चली गई, अब ले देकर एक हॉस्पिटल है, 100 बेड की हॉस्पिटल। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि त्योंथर में बने आवास, जहाँ बनना हो बन जाए, पर त्योंथर में अस्पताल। आवास भी बनना है, मैं कोई आपत्ति नहीं, पर त्योंथर की अस्पताल त्योंथर में बननी चाहिए। बननी चाहिए, बननी चाहिए, इसी परिसर में बननी चाहिए, इसी परिसर में, यही। क्योंकि अगर आवास बन जाएगा तो यह भूमि इतनी नहीं बचेगी, नहीं बननी है तो आप बता दीजिए कि नहीं बनेगी, हम लोग चले जाए। और कुछ बस बस मैं साधन, हमारा नगर है, आपका है, सबका है। 2 मिनट बता लिया जाए, मैं आग्रह करता हूँ सम्मानपूर्वक के बजाय 35 डिसमिल में आवासीय परिषद कौन का इसका बनता है, मैं बना लू 15 डिसमिल उससे भी बच जाएगी और 2 बीघे 8 डिसमिल बचती है। यदि वो 35 डिसमिल में आवास बना लेते हैं तो हमारे पास 2 बीघे 23 डिसमिल जमीन अस्पताल के लिए शेष बचेगी। इसलिए भ्रांति त्योंथर के ये शिवाजी खड़े हैं जो भगत सिंह की याद दिलाते हैं। बच्चस्थले कौस्तुभम अनाथांग्रे वरमौक्तिकम करदले वेणु करे कंगलम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौरी शंकर भगवान की जय। मंगलकाय नो हरि ओम आधार सिक्त बहु संसार।